हाय एवरीवन, मैं हूँ रॉय। स्टूडियो 90 यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। सो इन टुडेज एपिसोड हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वास्ते सॉन्ग को FL स्टूडियो मोबाइल में। सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन से प्रीसेट्स यूज किए हैं, कैसे उसको मैंने मिक्स किया है और कैसे आप बिल्कुल अपना मोबाइल में बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर आप अपना वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसे कि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ना कुछ देना ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। ये जो फाइल है ये भी आपको मिल सकता है और कैसे ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्वियसली अगर आप डेस्कटॉप डॉ यूज करते हैं तो और भी कई सारे ऑप्शंस और बेटर तरीके से आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप का एक्सेस नहीं है या फिर जो डेस्कटॉप डॉज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो मोबाइल का जो FL स्टूडियो है दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। डेस्कटॉप के जो डॉज हैं उसके कंपेरिजन में FL स्टूडियो मोबाइल का वर्जन इज वेरी वेरी ईजी टू यूज़, वेरी वेरी ईजी टू लर्न, और अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाते हैं, मिक्स कर पाते हैं, तो इट विल गिव यू वेरी गुड साउंड, वेरी गुड रिजल्ट। तो कोई भी गाना रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम सिग्नेचर, की सिग्नेचर में वो गाना है। तो ये जो गाना है ये एफ में है, एफ मेजर में है। अगर आप चाहते हैं तो गूगल से इसका जो कॉर्ड शीट है वो भी आप निकाल सकते हैं, और इसका जो टेम्पो एंड टाइम सिग्नेचर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम सिग्नेचर इज ऑब्वियसली 4/4, 1, 2, 3, 4, और टेम्पो जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 91 BPM लिखा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टैप का ऑप्शन है। जो एक्चुअल गाना है उसको अगर आप प्ले करने देते हैं और इसके साथ आप टैप करते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो गाने का जो टेम्पो है अराउंड 91 और 92 है, इसमें से कोई भी टेम्पो आप ले सकते हैं। जो टाइम डिवीजन या फिर टाइम सिग्नेचर है उसको आप 4/4 में सेट कर सकते हैं। अभी इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज़ करना, उसको अरेंज, उसको लाना पहले। तो यहाँ पे मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया है। सो ऑब्वियसली गाना शुरू होता है गिटार पार्ट से, गिटार स्ट्रामिंग से, और गिटार का लीड भी है वहाँ पे। अगर मैं ये जो गिटार स्ट्रामिंग सबसे पहले बज रहा है यहाँ पे, अगर आपको मैं ये सुनाता हूँ तो इसको मैं सोलो कर देता हूँ और आप अगर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गाने के जो कॉर्ड्स हैं बहुत ही इजी है और ये गिटार मैंने खुद प्ले किया है। अगर आप गिटार मोबाइल में कंपोज करने की, प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, इट विल नॉट गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। इवन जो डेस्कटॉप डॉज हैं वहाँ पे भी जो इनबिल्ट, जो मतलब इन स्टॉक प्लगइन्स जो गिटार्स के आते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में, FL स्टूडियो हो, क्यूबेस हो, स्टूडियो वन हो, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। गिटार इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू रिक्रिएट वाया सॉफ्टवेयर। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा, अगर आप खुद गिटार प्ले करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपका कोई अगर दोस्त है तो उसको आप बुला लीजिए, मेट्रोनोम को सुनते हुए, जो रिदम है उसको सुनते हुए आप गिटार को रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने दो गिटार रिकॉर्ड किया था, एक ही कॉर्ड्स बज रहे हैं दो गिटार में, और एक को कर दिया है मैंने लेफ्ट पे पैन और दूसरा जो है वो राइट में पैन है। सो इट विल गिव यू अ वेरी डायनामिक एंड वाइड स्टीरियो इमेज जो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ गिटार का जो लीड है वो भी यहां पे प्ले हो रहा है। तो ये जो चीज है यहां पे, ये जो स्लाइड्स हो रहा है ये भी, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मिमिक। अगर आप कीबोर्ड में भी प्ले करते हैं पिजवेंट का यूज करके तो भी ये नहीं होगा। एक्चुअल गिटार का जो स्लाइड है वो बहुत ज्यादा म्यूजिकल है, तो ये अगर आप प्ले करते हैं दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। मोबाइल का जो FL स्टूडियो मोबाइल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर इसके साथ आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना, कुछ चीज़ें प्रोग्राम करना, तो दैट विल गिव यू रियली रियली अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसके साथ यहाँ पे कुछ प्लक साउंड इसको सपोर्ट करता है, तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसके जो प्रीसेट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे जाता हूं तो ये देखिए यहां पे है मिनी सिंथ, जिसका एक डिफॉल्ट प्रीसेट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहां पे जो सेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, दिस आर द सेटिंग्स, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां पे यूज किया है।
और ये जो है दिस इज ऑल्सो मेनी सिंथ, इसका भी डिफॉल्ट जो साउंड है उसको थोड़ा मैंने मॉडिफाई करके, थोड़ा सा सिंथेसिस करके ये साउंड निकाला है। सो और इसके जो नोट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ आई ओपन दिस वन, ये देखिए ये जो मेन जो एफ जो सा और गा है उसमें ये बज रहा है, और इसके साथ डिले किया हुआ है, डिले इफेक्ट दिया हुआ है, तो इसी के लिए वो एक डिलेड साउंड आपको यहाँ पे दे रहा है। इस ट्यूटोरियल में मेरा जो एजम्पशन है वो ये है कि FL Studio मोबाइल के जो बेसिक्स हैं वो आपको पता है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने वाला है। ये अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है या फिर आप सीख रहे हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ पे जो बेसिक्स हैं वो आप सीख सकते हैं बहुत ईजिली। अभी इसके बाद क्या हो रहा है कि बेस गिटार एंड रिदम यहाँ पे चालू हो जा रहा है। एक्चुअल जो गाना है वहाँ पे रिदम थोड़ा सा देर से चालू होता है, पहले जो वर्ड्स हैं वो हो जाता है उसके बाद रिदम चालू होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया है, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस गिटार का जो पैटर्न है ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज किया है, जो एक्चुअल गाना है वहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बेस का पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे। और ये जो रिदम है इसको भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, एक कस्टम ड्रम किट मैंने बनाया है इसके लिए। अगर मैं दिखाता हूँ ये कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज़ माय किक, और यहाँ पे स्नेयर है, स्नेयर के साथ जो स्नैप का साउंड है वो यहाँ पे लेयर किया गया है, और ऑब्वियसली हैट्स आर देयर, तो सिर्फ जो ड्रम्स हैं वो सुनने में ऐसा लगेगा। सो ये ड्रम के साथ कुछ ऐसा साउंड करता है। अभी इसके साथ मेरा जो लीड लाइन है जो पियानो में बज रहा है वो मैंने यहां पे प्ले किया है। अभी अगर आप चाहते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कैसे वॉइस रिकॉर्डिंग करना है उसके ऊपर मेरा ट्यूटोरियल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जहाँ पे तुमसे ज़्यादा मैं ना मांगू ये जो पार्ट है, यहाँ पे जाके मैंने एक नायलॉन गिटार यहाँ पे ऐड किया है, सो इट साउंड्स लाइक दिस। अगर मैं सिर्फ ये नायलॉन गिटार आपको सुनाता हूँ ये सुनने में कुछ ऐसा लगेगा। ऑब्वियसली एक्चुअल गाने में जो प्ले किया हुआ है दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस, और अगर आप नायलॉन गिटार रिकॉर्ड कर सकते हैं दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट्स। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेव करके जो इंस्ट्रूमेंट आता है ना उसका एक प्रीसेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो DW सैम्पलर इसका जो नायलॉन गिटार का प्रीसेट है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप इसके साथ पैड साउंड्स जो हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द पैड्स, अगर मैं इसको सोलो करके आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर पैन किया गया है इसको ताकि ये बीच में क्लटर ना करे। और जहां पे पियानो लाइन शुरू होता है वहां पे मैंने एक सॉफ्ट प्लक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, दिस वन, तो इसको अगर मैं सोलो करके चलाता हूं आप सुन सकते हैं यहां पे। तो ये जो पैच है दिस इज द पैच फॉर मिनिसिंथ का ही पैच है, सॉफ्ट प्लक करके इसका प्रीसेट बना हुआ है। ये सारे के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स किया गया है, ऑब्वियसली ये कुल मिला के सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है। अभी अगर थोड़ा बहुत मैं मिक्सिंग यहां पे आपको दिखाता हूं, मैंने अगर पूरा का पूरा दिखाने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां पे दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है गिटार को प्रोसेस करना। सो अगर मैं गिटार में जाता हूं और यहां पे मैं जो चैनल रैक है यहां पे जाता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इक्वलाइजर है वो दिया हुआ है यहाँ पे, जो लोज है उसको मैंने कट किया है, और सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड में थोड़ा सा कट और बूस्ट किया गया है, और फोर्थ बैंड में भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बूस्ट किया है। सो दिस इज़ द पियानो लीड जहाँ पे मैंने इक्वलाइजर कंप्रेशन और डिले का यूज़ किया है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिवर्ब भी दिया है जिसके साथ एक एम्बियंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेस किया गया है। अभी अगर ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये अगर आपको बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जानना है तो मेरा जो FL Studio का कोर्स है वो आप ले सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और ये यूडेमी में है और अभी फिलहाल यहाँ पे सेल चल रहा है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक दिया गया है, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो यू विल गेट एटलीस्ट 60% ऑफ ऑन दैट लिंक। ये कोर्स अ कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके लिए आपको कोई भी प्रियर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानते हैं तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में फ्रॉम म्यूजिक थ्योरी से लेके सब कुछ बहुत डिटेल में हिंदी में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आपको जो म्यूजिक थ्योरी है उसके बारे में बताया जाएगा बहुत ही यूनिक वे से। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई ट्यूटोरियल आपको मिलेगा ऐसे म्यूजिक थ्योरी के ऊपर, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। इसके बाद इंटरफेस, कैसे आपको बीट मेकिंग करना है, उसके बाद कैसे आप बाकी की जो चीज़ें हैं कोर्ड्स, बेस गिटार्स, गिटार्स वो कैसे ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, कैसे नॉइस को रिमूव करना है, फिर मिक्सिंग कैसे करना है। बहुत ही डिटेल्ड और लाइव एग्जांपल देके मैंने यहाँ पे मिक्सिंग करा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने एक दो कंसेप्ट बता दिया और ये जो टूल्स हैं वो मैंने दिखा दिया, ऐसा नहीं है। सारा का सारा जो लाइव एग्जांपल्स हैं उसको देख के मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। तो ये एक कोर्स अगर आप करते हैं तो आई थिंक आपका जो FL Studio का मोबाइल का नॉलेज है वो तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। अगर आप फ्यूचर में जाके स्विच करना चाहते हैं टू द बिगर कोर्सेस लाइक FL Studio या फिर स्टूडियो वन, क्यूबेस, लॉजिक प्रो, ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये कोर्स में आप चाहते हैं तो मुझसे आप स्ट्रेट क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं। इस कोर्स में आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। दिस कोर्स इज ऑलमोस्ट मोर देन 5 आवर्स लॉन्ग, मोर देन 60 ट्यूटोरियल्स हैं इसमें, और इस कोर्स में बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स भी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसा है ये कोर्स, तो इसके अगर आप नीचे के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का लेक्चर बहुत सारा दिया हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो आप फ्री में देख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस कोर्स के बारे में, सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि ये कोर्स आप सबके काम में आ रहा है। सो डेफिनेटली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर सीरियस ऑन द म्यूजिक प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली चेक दिस आउट। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे वेबसाइट में जो है studio9musicproduction.com। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये ऊपर में जो S9 स्टोर का ऑप्शन है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, आपको कोर्स में एनरोल करना है तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और इसके नीचे आपको ये FLM प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट और यहाँ पे आपको चेकआउट कर देना है। यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी पेमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, तो ये जो फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये फाइल FL Studio मोबाइल में ओपन करना है, FLM फोल्डर में जो माई सॉन्ग्स करके जो फोल्डर है वहाँ पर आपको ये FLM फाइल प्लेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वो आ जाएगा, तो आपको ये ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि जो स्टेम्स हैं वो यहाँ पे ना आ रहा हो, लेकिन उसका जो स्ट्रैक्स है वो रहेगा लेकिन स्टेप्स नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको जो फाइल है यहाँ पे आपको ऐड ऑडियो क्लिप करना पड़ेगा, और वो फाइल जैसे यहाँ पे आ जाता है उसको बस वो वाला ट्रैक में मूव कर देना है, तो ये सारा प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मेरा जो चैनल है यूट्यूब में Studio 9 Music Production, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसका जो डिटेल्स हैं, उसका जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास चला जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन रिलेटेड, गियर रिलेटेड, गिटार रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। और भी क्या क्या वीडियोज़ चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, जैसे कि स्टूडियो वन सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही अच्छा कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसको गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्यूबिस और FL Studio के भी कोर्सेज हैं, अगर आप चाहते हैं ज़रूर स्टेप बाय स्टेप आप ये सारे वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही और एक ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। दिस इज रॉय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू।